अच्छा एक मिनट एक मिनट, ना ना जा रहा, एक मिनट एक मिनट, सोलो गाइस वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक, फिर आ चुका हूँ नए सफर के साथ। तो फाइनली मैं 15 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले केदारनाथ गया, अगर आपने मेरा वो वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके आप केदारनाथ का वीडियो देखिए। उसके बाद वापस आया और फिर मैं उसके बाद महाबलेश्वर गया, अगर आपने वो भी वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके आप वो भी देखिए। और उसके बाद आज मैं आया हूँ केलवा बीच। ये पूरा प्लान एक्चुअली सडनली बना था, रात को अराउंड 8 बजे हम लोग का ये प्लान बना केलवा बीच आने का। हम लोग आ गए और आप ये मेरे पीछे पूरा देख रहे हो, ये पूरा हम लोग ने एक दिन के ख़रीद लिया है, वो भी सिर्फ 1000 रुपये में। हाँ सच में मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ 1000 रुपये में पूरा हम लोग ने खरीद लिया है। तो बेसिकली ये हुआ कि हम लोग ने सडनली रैंडम ऐसे ही कॉल लगाए थे बहुत सारे होटल को, तो केलवा बीच भी फुल पैक है। यहाँ पर अगर आपको आना हो तो आपको एक वीक पहले बुक करना पड़ेगा क्योंकि सब पैक है यहाँ पर। पर हमारे नसीब अच्छा था, आपको मैं दिखाता हूँ मेरे आगे पीछे पूरा, ये पूरा हमारा है। हम लोग पूरा रात भर यहाँ पे फुल धमाल मचा है, फुल मस्ती के यहाँ पे। और आपको पता है सडनली प्लान मेरा किसके साथ बन सकता है, एक कार्टून के साथ। तो हमारे सडनली प्लान बना था और हम लोग यहाँ पे आकर और ये सिर्फ 1000 रुपये में हमने ये पूरा बुक किया है। तो मोस्टली सब यहाँ का जो ओनर है उनसे हमने बात किया था, बोल रहे थे सब बंद है, बीच पे भी जाना अलाउड नहीं है। पर अपने पास जगह यहाँ से डायरेक्ट जाने का, तो हम जाएंगे आज पूरा दिन केलवा बीच में, क्या क्या देखते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपना नया सफ़र। तो ये जो जगह पर मैं आया हूँ यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हो, पीछे मेरे वेल है, इतना बड़ा स्पेस है, पार्किंग से लेके खाने से लेके यहाँ पर सब कुछ मिलता है एक्चुअली। बट दिक्कत ये था कि यहाँ पर सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई आता नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो लोग चाहते कि हम स्विमिंग पूल में चील मारे, बस यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं था तो इसलिए हमें प्रॉपर्टी मिल गई और ये प्रॉपर्टी में सिर्फ हम दोनों ही थे। हमने रात भर में फुल टाइम पास किया, मस्ती किया और आज सोचा कि सुबह एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं सोचा कि आपको पहले प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, बहुत सही प्रॉपर्टी है। यहाँ पर झूला है, खेलने के लिए जगह है, यहाँ पर रूम्स ही है, ऐसे 4-5 रूम्स ही है, आप यहाँ पर आ सकते हो। इसको पाटिलवाड़ी बोलते हैं, पाटिलवाड़ी बीच रिसोर्ट डालोगे आप मैप पे या इनका नंबर मैं अपने नीचे डाल दूंगा। और आपको कुछ चाहिए, यह जगह अच्छी लगे तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से पीछे जाने का रास्ता भी है, तो वहाँ से हम रात को बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ से डायरेक्ट बीच पर चले जाना, वैसे बीच पर जाना अलाउ नहीं है। और उन्होंने बोला था कि पीछे बैक साइड से रास्ता है, ये पीछे मेरा रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता है, यहाँ से अगर वो आएंगे अभी ब्रेकफास्ट लेके हमारा, तो वो आएंगे ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाएंगे आगे। तो बेसिकली ये प्लान आपको पता है हम सडनली प्लान करते हैं, कुछ प्री प्लान होता नहीं है। तो ऐसे ही हम आगे लास्ट में 15 दिन से गाइस ट्रैवल करो, बहुत थक गया हूँ क्योंकि कंटिन्यू ट्रैवल करो, मैं रेस्ट ही नहीं किया हूँ। आता हूँ ट्रैवल करता हूँ, घर पे आता हूँ एडिट करता हूँ, वापस कहीं चले जाता हूँ, वापस आता हूँ एडिट करता हूँ, फिर चले जाता हूँ, तो टाइम ही नहीं मिला है। बेसिकली लॉकडाउन में इतना ट्रैवल कर लिया होगा, बहुत ट्रैवल कर लिया लॉकडाउन में मैंने। तो अभी चाहूँगा कि 1-2 हफ्ता रेस्ट लूँ, फिर प्लान है कहीं जाने का, वो भी सरप्राइज लोकेशन आपको भी पता चल जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपना प्यार दीजिए, गाइस 1K कंप्लीट करना यार, कुछ तो करो, सपोर्ट करो थोड़ा, आपके जैसे ही हूँ मैं, सपोर्ट करो। तो चलिए अपन जाते हैं अभी नेक्स्ट कहीं पे। तो ये पाटिल अंकल, इनका पूरा फार्म हाउस, ये पूरा आप जो देखा है ना, ये इनका पूरा फार्म हाउस है। तो इन्होंने ये डोर खोल के दिया, हम जो बीच एक्सप्लोर करेंगे, अगर यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना तो मैं इनका नंबर नीचे डाल दूंगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीच पे आना अलाउ नहीं है। तो हम लोग ये रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ा डरावना रास्ता है भाई। ये अंकल जो आप देखे बड़े सही थे अंकल, काफ़ी इन्होंने हमको नॉलेज दिया बहुत सारी चीज़ों का, कि यहाँ पे आओ तो लोकल खाना खाओ। उन्होंने हमारे लिए कॉफ़ी और पोहा बना के लाए थे, और कल रात को भी इन्होंने हमारे लिए रात को एकदम अर्जेंटली उन्होंने बोला था, तो अंकल ने अपने घर से अपने उनकी वाइफ से खाना बनाया था, बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। अभी पोहा और कॉफ़ी बना के लाए हमारे, बहुत अंकल ने हेल्प किया हमारे, क्योंकि कोई था नहीं हमारे लिए आए। तो ये रास्ता है और इस हिसाब से हम बीच पे जाते हैं। तो आ गया बीच फुल। तो गाइस वी आर हियर, तो फाइनली हम केलवा बीच पहुंच गए, मीटर डाउन, चली सवारी अपनी कुटे चली। तो कुछ ये तरह सा है व्यू, देखो यार वादिया देखो, और आज धूप नहीं यार, बड़ा सेक्सी है, धूप नहीं रहता थोड़ा रिलैक्स लगता है। तो फाइनली हम बीच पहुंच गए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये केलवा बीच एक्चुअली मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आया था आज से 2-3 साल पहले आया था ऐसे रैंडमली घूमने को, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था,
अभी आजकल वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। बाकी मैं पहले वीडियो नहीं बनाता, बस ऐसे घूमता रहता जहाँ मन करे वहाँ पे। आजकल मैंने वीडियो बनाना चालू किया। बस एक मिनट, ना जाना रहा, एक मिनट। ये जो देखा आपने पुलिस थे, इन्होंने बोला कि अलाउ नहीं है वहाँ पे गाड़ी खड़ा, अगर आप नहीं जाओगे तो आप अंदर डाल लेंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि दादा 5 मिनट बैठने दो, तो भी मना किया। तो फिर हम बैठेंगे, बिकॉज वहाँ पे वो साइड है ना, वो साइड पब्लिक है, बहुत ज़्यादा 5-10 लोग हैं वहाँ पे, तो वहाँ नहीं है। केलवा बीच में कहीं भी अलाउ नहीं है फिलहाल, कहीं भी अलाउ नहीं है। ये तो हमारे पास रास्ता था, इसलिए हम लोग यहाँ गए, तो ऐसे अलाउ नहीं कहीं भी ट्राई करना। तो केलवा बीच मुंबई का वन ऑफ द बोलते हैं क्लीनेस्ट बीच में आता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कचरा ये सब नहीं है। अपना मुंबई में आप कहीं भी जाओ तो आपको कचरा मिल जाएगा, एक्सा बीच जाओ, जूह भी जाओ, पूरा कचरा रहता है। और कॉमर्शियल भी नहीं है यहाँ पे इतना, या तो वहाँ पे आपको कॉमर्शियल में हर चीज़ खाने पीने को मिल जाती है, वहाँ पे इतना नहीं क्लीन रहता है, इसलिए केलवा भी बहुत फेमस है। तो आपको मैं दिखा, तो आप भी थोड़ा मजे करो, हम भी थोड़ा 5 मिनट बैठ के भाग जाएंगे, नहीं तो हमको भी वो डिब्बे में बिठा लेंगे उनके साथ, जो हमें नहीं करना है। आपने देखा कैसे पुलिस आती है यहाँ पे चेक करती है, अलाउ नहीं यहाँ पे आना। तो ऐसे पुलिस बार बार राउंड अप मार रही है, बोल रही कि मेरे को 2 बार वार्निंग दिया लोग ने कि अगर वापस तू नहीं गया अंदर तो तेरे को हम लोग डब्बे में बिठा लेंगे। तो इसलिए मैं अंदर आना पड़ा। केलवा में कहीं भी मतलब जाना अलाउ नहीं है, कहीं भी कोई भी पिचिस हो गया या टेम्पल हो गया, कहीं भी जाना अलाउ नहीं है। तो एक डैम है यहाँ पे केलवा डैम, वहाँ पे जाने का मैं आज कोशिश करूँगा, अलाउ किया तो वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी यार व्यू तो बड़ा खूबसूरत होता है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में बीच साइड बैठ के आराम से पीसफुल आप योगा कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आराम से शांति से। और ये रास्ता यार बड़ा मेरे को सही लगा यहाँ से जाने का वहाँ तक। तो अभी हम लोग सोच रहे कि केलवा डैम जाए, अगर अलाउ किया तो हम केलवा डैम जाएंगे आज। थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे सब चल के जाना, बट सही है, मज़ा आ रहा है। तो आप बेसिकली संडे है और संडे को ज़्यादा क्राउड है तो मैं अवॉइड करता हूँ, बट ये सडनली प्लान किया हम लोग ने, बिकॉज थोड़ा चाहिए था रश। तो मैं सोचा चलो आज बीच पे जाते, आसपास ही जाते। तो ये मुंबई से अराउंड 50 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो, सही जगह है। आपको अगर ये चाहिए बहुत और भी फार्म हाउस आपको मिल जाएंगे, बट ये मेरे को सही लगा, सॉर्टेड है, टेंशन नहीं है। तो अभी हम लोग थोड़ा बैग पैक करते और निकलते डैम के लिए, देखो अगर अलाउ किया तो एक्सप्लोर करेंगे। तो केलवा डैम के लिए अपने को पहले केलवा स्टेशन, अगर आप बाइक लेके आते हो तो अपने को केलवा स्टेशन की तरफ बाइक पार्क करना पड़ेगा, जो मैंने आपको दिखाया। फिर ये ब्रिज उतर के नीचे अपने को शेयरिंग ऑटो मिलता है, वहाँ से अपने को केलवा डैम लेके जाते हैं। इसका मतलब केलवा डैम खुला है शायद से, हम लोगों ने लोकल से पूछा था, उन्होंने बताया शायद से खुला है। तो ये केलवा स्टेशन है, अपन वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं हम लोग, इसमें नीचे से ऑटो मिलेगा उसने बोला है। तो ये केलवा स्टेशन है, ये ब्रिज आपको उतर के नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ से अपने को ऑटो मिलेगा केलवा डैम के लिए। चलो चलो, ये ऑटो है, यहाँ पे अपने को जाने का है। 20 रुपये लेंगे पर सीट।
टाइम तक छोड़ेंगे। बस 10 लोग दौड़ते एक साथ अंकल लगता है। तू अपने को रिक्शा यहाँ पे छोड़ेगा, उसके बाद ये है हम पहुँच गए किलवा डैम। आप देख सकते हो पीछे मेरे, उधर एक वाटरफॉल है, एक आगे वाटरफॉल है, तीन तीन वाटरफॉल आपको दिखाओ अगर दिखे तो। एक उधर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इतने वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे, चार पाँच। तो मोस्टली मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पब्लिक फुल पीने को और ये सब करने को आती है, पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, बीच पे लोग बता अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए ना, और यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा करके पीने आती है। दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र टूरिज्म थोड़ा ऐसा ही है, फोर्ट में दारू पीते हैं, जहाँ पे मिले वहाँ पे बस पब्लिक दारू पीती है, इसलिए महाराष्ट्र का टूरिज्म कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। ये सब चीज़ें इन्हें बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये यहाँ पे पब्लिक आती है, फैमिली आती है, बहुत लोग आते यार, ये सब पब्लिक दारू पी के धतिंग करी, ये सब गंदा करती टूरिस्ट प्लेस। तो महाराष्ट्र टूरिज्म को ये सब देखना चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए कि दारू पीना हो, कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे दारू पीना होना ही नहीं चाहिए। दारू पीना हो तो अपने रूम में पियो, होटल में पियो, ये सब जगह पे उन्हें पीना ही नहीं चाहिए। तो अगर आपको केलवा डैम आना हो तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ पे स्टेशन है केलवा स्टेशन, आप आओ वहाँ से ऑटो पकड़ो 20 रुपये में। यहाँ पे हार्डली आपका खर्चा होगा तो 200 रुपये खर्चा होगा ट्रिप का, और भाई आप यहाँ पे आके मतलब वर्थ है, आपका 200 रुपये भी वर्थ है, सबसे इजी सबसे बेस्ट। बट जो है कि वो रिक्शे में 10-10 रुपये भरे वो सही नहीं लगा, बिकॉज यार कोविड का टाइम चल रहा है, इतना भर भर के जा रहे, पता नहीं रोड बहुत ख़राब थे आए तो। बाकी यहाँ पे आके वो 20 रुपये भी वर्थ लगता है, ऐसा लगता है मेरे को। यहाँ पे बहुत सही लोकेशन है। तो मैं बोल रहा था कि ये जो टूरिस्ट प्लेस लोग ने यहाँ पे, हर कोई आजकल हर टूरिस्ट प्लेस पे कोई भी डैम हो गया, कोई भी वाटरफॉल हो गया, पब्लिक दारू पीने लगी, वो महाराष्ट्र टूरिज्म को देखना चाहिए। आजू बाजू इतना गंदगी कर देते, दारू की बॉटलें फेंक देते, फैमिली आती बच्चे आते क्या देखेंगे यार, मतलब महाराष्ट्र की खूबसूरती पूरी ख़राब कर दी है ये आजकल के लोगों ने। तो चलिए अभी हो गया जो होना था, अभी अपन जाते हैं अंदर, पूरा एक्सप्लोर करते। बहुत पब्लिक है यहाँ पे यार, बहुत पब्लिक है। ये देखो आप देखोगे तो ये पब्लिक जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं, बिरयानी बहुत लोग जा रहे हैं, पार्टी करेंगे लोग, बिरयानी लेके आ रहे हैं तो पार्टी करेंगे। अगेन वही सब दारू पी के फिर गंद मचाएंगे, गंदगी करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। ये चीज़ थोड़ा देखना चाहिए, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं महाबलेश्वर गया था, उधर भी ऐसे ही था, पॉइंट्स में से दारू की बॉटलें पड़ी को क्लीन भी नहीं करता यार, मतलब इतना पैसा अपने पास महाराष्ट्र टूरिज्म के पास, खर्चा ही नहीं करती है। तो बेसिकली ये कुछ 1 किलोमीटर का ट्रैक है, देवकुंड का जैसे रास्ते थे वैसे इसके रास्ते है। अगर आपने मेरा देवकुंड वाला वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके देखो, वो भी कुछ वो स्लांटा बरसे नॉर्मल, इसमें थकान लगेगी। और इसमें और एक गलती कर दी, मैं चप्पल पहन गया तो बारिश की वजह से बहुत कीचड़ है तो स्लीप हो रहा है। तो अभी तक तो सही, बस ये कि चप्पल पहन के हम लोग आए तो चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और कल रात को जब हम आए थे बहुत बारिश था, और जब अराउंड जब सोने गए थे वो टाइम भी बहुत बारिश था, और अभी सडनली धूप आ गया। रास्ते तो सही है, बस थोड़ा शूज़ नहीं पहना हम लोग ने, इसलिए स्लीप हो रहा है। तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने इसका वीडियो देखा नहीं एक्चुअली डैम का कभी, मैं ऐसे डायरेक्ट आ गया रेंडमली सर्च करके। मैं सोचा केलवा बीच आया हूँ तो चलो डैम भी जाते, क्योंकि वो मैं देखा था आजू बाजू घूमने की जगह में डैम था, बाकी सब बंद था, तो सोचा डैम एक्सप्लोर करते। केलवा बीच एक दो बार गया हूँ बट ये लोकेशन कभी नहीं आया, तो काफ़ी सही है। बस ये कि शूज़ पहन के आना अगर आपको आना हो, ये चप्पल में स्लीप हो रहा है। हमारे महाशय जो आगे चल रहे वो जहाँ गिरेंगे उधर मैं नहीं गिरूँगा, इसलिए उसको आगे चला रहा हूँ। वो आजकल मैं एक गाना सुना हूँ मीटर डाउन करके, एकदम जुबान पे रह गया है, बार बार दिमाग वही चल रहा, मीटर डाउन चली सवारी अपनी कुछ तो है, पूरा दिमाग में उड़ेगा, दो सीन से सुन रहा हूँ दिमाग में वही बार बार याद आ रहा है। सोचा वॉकिंग में यही म्यूज़िक दूंगा बट यूट्यूब वाले आपको पता बजा देते तो म्यूज़िक नहीं दे सकता। लगता बारिश में गिरा लगता है। ओहो हो कहाँ कहाँ पब्लिक ने रास्ते बनाए यार। लिपली रास्ते है तेरी।
चप्पल पहन के आते स्लिप होता ही होता है, कीचड़ चिपक गया। ये कहाँ आ गए हम, व्यू साथ साथ चलते। ओहो व्यू देखो आप, अभी कैसे जाने का, क्रॉस होके जाने का। होड़ी बाबा होड़ी बाबा, चलो क्रॉस होके जाना है। विकास रुक गया, अपन साथ में जाएंगे। जी ये भाई साहब जो लाल टोपी वाले हमें हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ के रखा बट आस है भाई। आराम से भाई, आराम से आराम से। चप्पल छोड़ दू, रहेंगे इनका स्ट्रॉन्ग है। ये यहाँ के लोकल है ना, रास्ता पता था हम इनके इनके पीछे पीछे जा रहे। देखा आपने कैसे पार किया हम लोग ने, ये देखो कैसे ऐसे रास्ते। गिरने का बहुत चांस रहेगा, अगर आप चप्पल में होगे तो गिरने का बहुत चांस रहेगा। ये देखो कैसे सब फंस जाते हैं, बस यहाँ पे चप्पल नहीं टूटना चाहिए यार, मज़ा नहीं आएगा फिर। ये बहुत पत्थर है, लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए, वहाँ से स्टार्ट किया था एकदम नीचे से, एकदम नीचे आपको घर दिखे तो वहाँ से स्टार्ट किया था। एक वहाँ पे भी वाटरफॉल है पर वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, तो अपना ये वाले हम आ गए, ये वाटरफॉल हम आ गए फाइनली। मेरी बैक साइड देखा अपन, वहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से, और फाइनली ऊपर अपन आ गए। तो चलिए थोड़ा एंजॉय करते अभी थोड़ा। ये था केलवा वाटरफॉल, बेसिकली 1 किलोमीटर का ट्रैक नहीं, ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है, बट ऊपर आके वर्थ है। मतलब यहाँ पे लोग आते सिर्फ चील मारे, और मोस्टली यहाँ के सब लोकल लोग ही है, बाहर के बहुत कम लोग दिखे हैं। जो रिक्शे में थे वो अंधेरी से आते उन लोग, तो बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल पानी थोड़ा क्लीन नहीं है यहाँ का, जितना होना चाहिए, मे बी आगे कुछ होगा, मे बी इससे क्लियर नहीं है। बाकी बड़ा पीसफुल है, बड़ा शांत है, आप इजीली यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, बहुत सही है। ये अपने डैम से आपको ट्रैक के सीधा 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 आना, एक एंड टाइम पे ऐसा स्लांट आता सीधा, वो आपको थोड़ा हैवी पड़ेगा, बाकी बहुत स्मूथ है ट्रैक, कहीं कोई इश्यू नहीं है। हाँ आप चप्पल पे मत आना, हमारे ऐसे तो गिरने के बहुत चांसेस है। आप लोग आओ तो शूज़ में आना प्रॉपर, बाकी ऊपर आप खाना वाना लेके आना तो आप ला सकते हो, यहाँ पे बहुत लोग लाए, आप भी ला सकते हो, फील मार सकते हो। लोकेशन बहुत सही है, और मुंबई से हार्डली 50 किलोमीटर की दूरी पे आप ट्रेन से आओगे, तो केलवा स्टेशन से हार्डली 4 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ क्या होता है, आपको चलना है, नीचे डैम है,
ये पूरा पानी का ऊपर वाटरफॉल है। आओगे तो वो ढूंढते बहुत सही जगह है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने को ग्रोथ होना है तो आगे बढ़ना है सबको, तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा वापस कुछ अलग सा लेके, कुछ नया सा लेके। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और दुआ में याद रखिए।